हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द टेक्नोक्रेटिक्स। और मैं हूं अंबुज। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूं, जो कि फिर से एक है हार्ड ड्राइव इन्क्लोजर ओरिको की तरफ से आने वाला। ये हार्ड ड्राइव जो इन्क्लोजर है, ये मैं दोबारा से परचेज़ किया। पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ हार्ड ड्राइव इन्क्लोजर पर, ये है उसकी वीडियो, आप आई बटन में जाके लिंक में है दे दूँगा, उसमें देख सकते हैं। तो ये जो हार्ड ड्राइव इन्क्लोजर है, USB 3.0 है, ये वाला जो है ये 2.0 था, वीडियो देखेगा आप जाके। और इसको हम आज अनबॉक्स करेंगे, देखेंगे इसमें क्या फीचर्स हैं, कैसी हैं इसकी रीड एंड राइट स्पीड्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने डेस्क पर चलते हैं और इस हार्ड ड्राइव इनक्लोजर को अनबॉक्स करते हैं। सो फ्रेंड्स, आ चुके हैं हम अपनी डेस्क पे और स्क्रीन पे आपके सामने रखा है ये ओरिको का हार्ड ड्राइव इनक्लोजर। 2.5 इंच की हार्ड ड्राइव आप इसमें लगा सकते हैं। सो वन बाई वन इसके फीचर पढ़ देते हैं आपके सामने। ओरिको 2.5 इंच हार्ड ड्राइव इंक्लोजर, टूल फ्री इंस्टॉलेशन, सिंपली प्लग एंड प्ले। 2.5 इंच HDD या SSD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव, कंपैक्टेबल है ये। USB 3.0 है, 5 टाइम्स इसमें फास्टर स्पीड्स हैं एज़ कम्पेयर टू USB 2.0। टूल फ्री मतलब आपको इसमें इंस्टॉलेशन के टाइम पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, विदाउट एनी स्क्रू ड्राइवर्स आप अपनी हार्ड ड्राइव इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। और पैकेज की बात करूँ तो काफ़ी कॉम्पैक्ट सा पैकेज है, अच्छा पैकेज है। ओके, तो इसकी टोटल कॉस्ट अप्रॉक्स 750 रुपीज़ है अमेज़ॉन में, बेस्ट बाय लिंक मैं आपको दे दूंगा, लेकिन प्राइसेस फ्लक्चुएट होते रहते हैं आपको पता ही है। और प्योर चाइनीज़ में कुछ लिखा हुआ है और कुछ इसके स्पेसिफिकेशंस लिखे हुए हैं, जैसे कि 2.5 इंच हार्ड ड्राइव इंक्लोजर है, मॉडल नंबर लिखा हुआ है, डायमेंशंस लिखे हुए हैं, साटा 3 इनपुट है इसमें, आउटपुट भी USB 3.0 वाला है, ट्रांसमिशन रेट 5 Gbps तक का है, कंपैक्टेबल ड्राइव 2.5 इंच साटा HDD यानी हार्ड ड्राइव और SSD दोनों से कंपैक्टेबल है सॉलिड स्टेट ड्राइव से। USB केबल इसमें दी गई है, USB टाइप A to M, तो जो हमें प्योर SSD में या HDD एक्सटर्नल में हमें जो केबल मिलती है वो इसमें भी मिल जाती है, तो ये एक अच्छी बात है। और विंडोज़, मैक या लिनक्स सबसे सपोर्टेड है। और यहाँ कुछ सीरियल नंबर, वारंटी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसकी भी ग्रैंड ओपनिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से अनबॉक्स होगा। तो काफ़ी अच्छा पैकेज है देखने में लग रहा है, वो काफ़ी अच्छे से इन लोगों ने रखा हुआ है इस पैकेज को, बड़े ही सॉफ्ट केस में आ जाती है ये हार्ड ड्राइव इंक्लोजर। और प्लास्टिक फिनिश में है, और देख लेते हैं बॉक्स के अंदर क्या है, इसको साइड में रख देते हैं। तो बॉक्स के अंदर एक USB 3 केबल है, जिसका कि लास्ट में जैक कुछ अजीब सा है, वही मतलब एक्सटर्नल हार्ड डिस्क वाला जैक जो होता है ट्रेडिशनल। और बाकी देख लेते हैं, ये कुछ फोम का पीस है, जिससे कि हमारी हार्ड ड्राइव उसके अंदर हिले तो उसको कोई इफेक्ट ना हो। तो दो फोम के पीसेस हैं। और थैंक्स फॉर चूजिंग ओरिको यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये कुछ वारंटी कार्ड वगैरह मेंशन है यहाँ पे, ये सब है और कुछ भी नहीं है जो कि चाइनीज़ में है। इसका आधार कार्ड वगैरह हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग बहुत ज्ञानी हैं, तो इसको हम लोग साइड में रख देते हैं। और आ जाते हैं सीधे हम अपनी हार्ड डिस्क एनक्लोज़र की तरफ। तो इसमें मैं लगाने जा रहा हूँ, मेरे पास है सीगेट की 5400 RPM वाली हार्ड ड्राइव, जो कि काफ़ी पुरानी है। तो इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ और फिर बताता हूँ कि कैसे इसको यूज़ करना है। तो पीछे यहाँ कुछ स्लाइडर टाइप का मैकेनिज़्म दिया हुआ है, तो ये पीछे देखेंगे अगर हम, एक स्लाइडर टाइप का मैकेनिज़्म बना हुआ है, उससे बड़े ही आराम से खुल जाती है। और यहाँ पे हम फोम के पीसेज एडजस्ट कर सकते हैं अपनी हार्ड ड्राइव के लिए, इस तरह से कुछ, लेकिन उससे पहले हम लगा लेते हैं अपनी हार्ड ड्राइव। तो कुछ इस तरह से इंस्टॉल होगी इसके अंदर, काफ़ी आराम से इंस्टॉल हो जाती है, कोई भी इसे यूज़ कर सकता है। और अब हम इसे बंद कर देंगे, तो बंद होने में थोड़ा दिक्कत हो रही है लेकिन बंद हो गई है अब। सो काफ़ी अच्छे से बंद हो जाती है। और इसकी केबल मैं एक बार आपको सबको दिखा देता हूँ, केबल भी बड़ा पैक्ड आती है। सो इसको भी कट कर लेता हूँ मैं, पैकेज को, काफ़ी अच्छी पैकेजिंग में मेरे पास आया है। तो
तो ये केबल है और लेंथ भी इसकी अच्छी है और अच्छी क्वालिटी की भी लग रही है फ़िलहाल अभी तो। और यूएसबी सी है, मतलब सॉरी यूएसबी 3.0 है, और यहाँ पे वही ट्रेडिशनल जो हार्ड डिस्क में केबल लगती है वो वाली केबल है। सो इसको हम लगाएंगे अपनी हार्ड डिस्क की साइड, कुछ इस तरह से वो इंस्टॉल हो गई है। और अब हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप की तरफ और कुछ इसकी स्पीड्स वगैरह टेस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं हम अपने डेस्कटॉप की तरफ और मैं इसको प्लग इन करने जा रहा हूँ अपनी ड्राइव को। तो इसमें एक इंडिकेशन आ जाता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक छोटा सा इंडिकेशन आ रहा है लाइट का, आई होप आप देख पा रहे होंगे, और काफ़ी अच्छे से कनेक्टेड है, कोई दिक्कत नहीं होती है कनेक्ट करने में। और देखते हैं एक फ़ाइल हम कॉपी करते हैं सैंपल के लिए कि 1 GB की फ़ाइल लगभग कितने देर में हो जाती है इसमें कॉपी। तो ये फोल्डर मेरा, मैं प्रॉपर्टीज़ दिखाता हूँ, अप्रॉक्स 1 GB का है, 1.07 GB का। इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ अपनी ड्राइव के किसी फोल्डर में। तो ये मेरी ड्राइव है और स्पीड्स डिसेंट स्पीड्स हैं, वही लगभग 34-35 MBPS स्पीड है। अब SSD में मैं इसको लगा के देखूँगा तो आई होप स्पीड्स कुछ आएंगी, लेकिन वैसे नॉर्मली स्पीड्स हैं, कोई ख़ास ज़्यादा नहीं है, अप्रॉक्स वही 30 MBPS तक। लेकिन यह है, इसे आप एक, अगर आपके पास कोई अनयूज्ड 2.5 इंच हार्ड ड्राइव होगी तो आप उसको एज अ यूजेबल 2.5 इंच पोर्टेबल हार्ड ड्राइव बना सकते हैं, इसका यूज़ है, प्रैक्टिकल यूज़। अब मैं इससे अपने कंप्यूटर में कॉपी करता हूँ इसी फोल्डर को, तब देखते हैं क्या स्पीड्स हैं। तो ये मेरी है ड्राइव, अब मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा। सो वही ड्राइव टू ड्राइव ट्रांसफ़र है अप्रॉक्स 30 MBPS का। लेकिन फिर भी यार सही है, हमें पोर्टेबल एक हार्ड ड्राइव मिल जाती है अगर हमारे पास एक एक्स्ट्रा पड़ी हो तो, एक अच्छा गैजेट है, यूज़फुल गैजेट है जो कि हमारे काम आ सकता है इन इमरजेंसी। तो भाई 60 MBPS, 70, 90, 100, 130 MBPS तक हमारा गया है इसमें ट्रांसफ़र रेट। सो ये था आज का हमारी वीडियो जिसमें कि मैंने आपको दिखाया कि ये हार्ड ड्राइव इंक्लूजर कैसा है। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल द टेक्नोक्रेटिक्स को सब्सक्राइब करिए। टिल देन गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।